हत्या की मेन वजह रही है कि चूंकि जब से सैनी साहब आए थे वहाँ पर, उनके आने के बाद से उस क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर एरिया में जो ये रेलवे की चोरी होती थी, पहले चोरी काफ़ी होती थी, उस चोरी में काफ़ी गिरावट हुई थी। बेसिकली जो जितने ये रेलवे से ही सब सामान चोरी करने वाले ये लोग थे तीनों चारों, इन लोगों को रोक दिया था उसने, वहाँ चोरी नहीं होने दे रहा था। इसलिए इन्होंने देखा कि भाई ये आदमी हमारे लिए यहाँ पे हमारे चोरी करने में बाधक बन रहा है, इसलिए उसको रास्ते से हटाने के लिए उसका मदद किया। देखिए लोहे का आइटम है, लोहे का आइटम कबाड़ में काफ़ी बिकने का स्कोप रहता है, और इसको मुझे लगता है कि पहले इन लोगों, हमने इनसे पूछताछ की है, इन लोगों ने बताया कि ये सीधे ही माल बेच देते थे, लेकिन जिन लोगों को इन्होंने माल बेचा है उनके द्वारा उसको मेल्ट करके फिर बाकी एक सॉलिड आयरन के रूप में उसको सेल करने का काम किया जा रहा है। इस पूरे गैंग को हम लोग इससे जब सबसे पहले तो इनसे पूछताछ करेंगे, और इनसे पूछताछ करके जो चीज़ें मिली हैं उसके में बाकी जो दो लोग आए हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं, और पूछताछ करने के बाद जो भी लोग इससे सामान खरीदते थे हम उसका भी खुलासा करेंगे। बाकी दो सदस्य निरुद्ध हैं, मैं जैसे मैंने बताया कि ये अभी अंडर जुडिशियल कस्टडी हैं वहाँ पे मुरादाबाद जेल में, उनसे पूछताछ की जाएगी और अग्रिम वैधानिक।